सुप्रभात साथियों, वीडियो को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ हो। शुरुआत करते हैं हम लोग डेली करंट अफेयर्स में 8 अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर निगाह डालते हैं। हमेशा की तरह रेलिवेंट जीके और स्टैटिक फैक्ट्स को यहाँ पर मैं अपने आप इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है? तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का, विश्व के पहले हाइपरसोनिक विमान का परीक्षण करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, ठीक है? पहली बार किसी देश ने पहली बार हाइपरसोनिक विमान का परीक्षण किया है, ये किस देश ने किया? इसका आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है? चाइना ने इस तरह के विमान का परीक्षण किया। इस विमान का नाम क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं। इस विमान का नाम है शिंगकोंग 2, ठीक है? शिंगकोंग 2 इस विमान का नाम है। और भी जरूरी फैक्ट आप इसके बारे में जानें, ये न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? वेलोसिटी इसकी करीब 7,500 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है? इसका मैच नंबर 5 है, यानी कि साउंड की गति से 5 गुना अधिक ट्रैवल कर सकता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। पहला हाइपरसोनिक विमान, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अमेरिका इस तरह का विमान बनाने वाला है 2023 तक। अमेरिका ने घोषणा की थी कि हाइपरसोनिक विमान वो अपना पेश करेगा 2023 तक। अभी फिलहाल चीन ही ऐसा विमान डेवलप कर पाया है। चीन के साथ भारत दो एक्सरसाइज करता है, हैंड इन हैंड के नाम से, और एक करता है सीनो इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज के नाम से। अमेरिका के साथ भारत एक्सरसाइज करता है एयरफोर्स की दो, एक कोप के नाम से, एक रेड फ्लैग के नाम से, और कह सकते हैं आर्मी की एक्सरसाइज यहाँ पर थल सेना वाली एक्सरसाइज भारत अमेरिका के साथ करता है, जिसका नाम होता है युद्ध अभ्यास, ठीक है? तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखें। दूसरा हमारा क्वेश्चन है आज का, कौन सा देश जिसने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का हवाला देते हुए कनाडा के साथ व्यापारिक संबंधों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, ठीक है? और इस देश ने ऐसा आदेश दिया है कि कनाडा के जितने भी वहाँ पर राजदूत वगैरह हैं वो एम्बेसी को खाली करके वहाँ से चले जाएं, वरना सख्त कार्रवाई वो उनके खिलाफ करेंगे, ठीक है? सऊदी अरब ने कनाडा के राजदूतों को ऐसा आदेश दिया है, ठीक है? और कहा है कि सारे संबंध वो उससे विच्छेद करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, सऊदी अरब। सऊदी अरब से अब कोई भी व्यापार नहीं होगा कनाडा का। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जो भी रहा है ये हमारे लिए उतना जानना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पर खाली आपको फैक्ट बेस्ड चीज़ें करवा रहा हूँ, और बल्कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाती हैं। तो हम बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का, किस राज्य ने किसानों के लिए अपने राज्य में 5 लाख रुपए के जीवन बीमा की घोषणा की है, ठीक है? बिना कोई पैसे दिए, ठीक है? जीरो कॉस्ट पर, इफेक्टिव कॉस्ट जीरो पर 5 लाख रुपए का बीमा करेगी तेलंगाना राज्य की सरकार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, ठीक है? आपको बता दें कि जून में इस तरह की बात कही जा रही थी कि अगस्त में करेंगे, इस वजह से हमने आपको अपडेट कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा कि ऑफिशियली ये अनाउंस कर दी जाएगी और किसानों को वहाँ पर ये सुविधा मिलने लगेगी। और किसानों के लिए लगातार काम कर रही तेलंगाना की सरकार। अभी जून की अगर हम बात करें तो रैतु बंधु करके इन्होंने एक योजना लॉन्च की थी अपने यहाँ के किसानों के लिए, ठीक है? उनकी फसल के लिए उनको कह सकते हैं कर्ज मिलने वाला था 8,000 रुपये वार्षिक का, 2 किस्तों में, ठीक है? इस तरह की योजना तेलंगाना लॉन्च करता रहता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किस शहर को देश का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में जिन्होंने अभी CPCB ने क्या किया है, अभी एयर क्वालिटी को आधार बनाकर 62 शहरों में सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे पुअर पाया गया है गुरुग्राम में, ठीक है? हरियाणा के गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। पहले तो इसका आंसर है गुरुग्राम, ठीक है? यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी पुअर पाया गया था और इसको सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। मई पहले सप्ताह में हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, WHO ने विश्व के सबसे गंदे शहरों की सूची जारी की थी, सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ की सूची में 14 शहर भारत में से थे, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात नहीं रही थी हमारे लिए, 14 शहर भारत के थे और उन 14 शहरों में सबसे पोल्यूटेड रहा था उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर, ठीक है? ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। 14 सिटीज़ भारत की थी और उनमें सबसे पोल्यूटेड था कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है? और दिल्ली का नंबर था इन 14 में 6वें पर। 4,300 सिटीज़ में ये कह सकते हैं रिपोर्ट बनाई थी WHO ने, और एयर पोल्यूशन लेवल्स को इसमें कंसीडर किया था PM2.5 लेवल को यहाँ पर बेसिक फैक्टर बनाकर, और यहाँ पर जो भी डेटा दर्शाया गया था वो वर्ष 2016 तक का था, ठीक है? तो अगर उन्होंने 2018 तक का लिया होता तो हो सकता है पूरे 20 के 20 आ गए होते। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं।
अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में तीन जजेस और आए हैं, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है कि उनमें से जो फीमेल मेंबर हैं वो कौन बनी हैं, ठीक है। फीमेल जज आई हैं, उनका नाम है जस्टिस इंदिरा बनर्जी। ये कुल मिलाकर के आठवीं फीमेल जज आई हैं सुप्रीम कोर्ट में। सातवीं थी यहाँ पर इंदु मल्होत्रा, जो डायरेक्ट एडवोकेट से जज बन करके आई थी अप्रैल में। हमने आपको बताया था, इफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट और अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। अभी अगर आप देखें UP SSC लोअर के एग्जाम में इफैक्ट आपसे उठा करके पूछा था डायरेक्टली कि डायरेक्ट एडवोकेट से जज बनने वाली कह सकते हैं महिला का नाम बताना था आपको, तो उनका नाम है इंदु मल्होत्रा। तो ये सातवीं फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट में आई थी, आठवीं आ चुकी हैं इंदिरा बनर्जी। कुल मिलाकर एक टाइम पर तीन जजेस हैं इस समय फीमेल, और 26 यहाँ पर स्ट्रेंथ है टोटल जजेस की सुप्रीम कोर्ट में इस समय तक। ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखें। इन सभी को शपथ कौन दिलाएंगे, आप ध्यान रखें, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन तीनों नए जजेस को शपथ दिलाने वाले हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा प्रोजेक्ट शक्ति के तहत राइस क्रीप नाम की उद्योग आधारित माइक्रो प्रोसेसर चिप विकसित की गई है, ठीक है। एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है, उसका नाम राइस क्रीक रखा है। ये बहुत ही हाई लेवल का माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया है, ये इंडस्ट्री बेस्ड है, ठीक है। आपको ये नहीं देखने को मिलेगा मार्केट में, ना आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, और दूसरा ये आपके मतलब का नहीं है, ये इंडस्ट्री के मतलब का है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, हाई लेवल कामों के लिए इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग फैक्ट, IIT मद्रास ने इसको डेवलप किया है। IIT मद्रास ने इंटेल की मदद से इसको कह सकते हैं बनाया है। ये उद्योग आधारित माइक्रो प्रोसेसर है, और इसको बनाया गया है यहाँ पर शक्ति प्रोजेक्ट के तहत। शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में आप जान लें, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 2014 में शुरू किया गया था IIT मद्रास के द्वारा ही, ठीक है। IIT दिल्ली भी यहाँ पर ऑप्शन में है। IIT दिल्ली से आपको ध्यान आ रहा होगा उन्नत भारत अभियान, ठीक है। उन्नत भारत अभियान की नोडल एजेंसी है IIT दिल्ली, ठीक है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें। और उन्नत भारत अभियान किस मिनिस्ट्री का है, ये आप लोगों को लिख करके बताना है कॉमेंट्स में। आज आपका पहला सवाल है, किस मिनिस्ट्री का है यहाँ पर उन्नत भारत अभियान, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका टास्क ऑफ द डे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में साक्षरता मिशन के दौरान आयोजित किया गया साक्षरता परीक्षा में 96 वर्षीय एक महिला जिनका नाम है कार्तियानी अम्मा शामिल हुई, जो ये परीक्षा देने वाली राज्य की सबसे उम्रदराज महिला है, ठीक है। तो ये साक्षरता अभियान मिशन के तहत ये साक्षरता परीक्षा किस राज्य में कंडक्ट हुई, ये हमको बताना है। केरल राज्य में परीक्षा चल रही थी, और इसमें केरल राज्य की सबसे उम्रदराज महिला कार्तियानी अम्मा ने भाग लिया। इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, ये फैक्ट केरला के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बल्कि ये बात मुझे पता है कि केरल के लोग मेरा हिंदी का वीडियो नहीं देखेंगे, फिर भी हमने यहाँ पर बता दिया है, PDF से आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। इंदिरा नूई ने पेप्सिको के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है, ये काफ़ी न्यूज़ में बात रही है, तो मैंने इसको वैसा का वैसे ही आपको बता दिया है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है। इंदिरा नूई का नाम आप सुनते आए हैं, ये बहुत सालों से पेप्सिको से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। 24 साल इन्होंने काम किया है, 3 अक्टूबर से इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इंदिरा नूई के बारे में आपको बता दें कि इनकी जगह पर आएंगे प्रेसिडेंट के पद पर, जो इस समय कार्य कर रहे हैं पेप्सिको में, रोमन लेगोल्टा। रोमन लेगोल्टा यहाँ पर 22 साल से जुड़े हुए हैं पेप्सिको से, इस समय वो प्रेसिडेंट के पद पर हैं, और अब वो बन जाएंगे यहाँ पर चेयरमैन और CEO। CEO और चेयरमैन दोनों हैं इंदिरा नूई, ठीक है। CEO के पद से वो 3 अक्टूबर से हट जाएंगी, ठीक है, और चेयरमैन के पद से वो हट जाएंगी यहाँ पर जनवरी 2019 तक, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ है कि राज्यसभा ने 6 अगस्त 2018 को, यानी कल, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC विधेयक, NCBC बिल, जो हमारा कह सकते हैं 123वां अमेंडमेंट बिल था, इसको पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसको पहले पारित कर दिया था, तो अब प्रेसिडेंट जी जब इस पर अपना असेंट दे देंगे तो ये एक्ट बन जाएगा, और कुल मिलाकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के हेड हैं इस समय थावर चंद गहलोत, आप इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। और बाकी हमने आपको बता दिया यहाँ पर, जैसे ही प्रेसिडेंट जी इसको अप्रूव करेंगे और डायरेक्टली आप मेरे उस दिन के करंट अफेयर्स में इसको अपडेटेड देखेंगे। अभी आप ध्यान रखें, यहाँ पर 123वां संशोधन विधेयक था ये, ठीक है, और जब एक्ट बनेगा तब इसके बारे में बात करेंगे। और एक और यहाँ पर बिल पारित हुआ है लोकसभा से, भी बिल पारित हुआ है, किसका, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 का, ठीक है। अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक, ठीक है, इसका नाम है। नाम थोड़ा सा लंबा है, जब एक्ट बनेगा तो इतना लंबा नहीं रहेगा। और इसके जरिए क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो सकती है ऐसे व्यक्ति की जिसने शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर कुछ कह सकते हैं अत्याचार किया हो, तो अब कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी तुरंत वाली थी उसको दोबारा से प्रभावी बनाया जाएगा, ठीक है। और इसको भी पेश किया गया था थावरचंद गहलोत जी के द्वारा ही, जो कि हमारे केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे बनेगा, आप इसको देखना। राज्य ऊर्जा कुशलता तत्परता सूचकांक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयर्डनेस या फिर रेडीनेस इंडेक्स, इसमें टॉप पर कौन रहा है, ठीक है, ये हमको बताना है। टॉप पर आंध्र प्रदेश राज्य को रखा गया है, ठीक है, इसको फ्रंट रनर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, कह सकते हैं एस्पिरेंट, फ्रंट रनर, कंटेंडर, इस तरह से चार कैटेगरीज बनाई गई थी। तो आप जाने इसमें कि आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर रखा गया था, इसको फ्रंट रनर बताया गया था, ठीक है। और इसके बाद नंबर आता है केरल का, ये सेकंड नंबर पर रखा गया था, बिहार को एस्पिरेंट बताया गया था, ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। और उससे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये किससे संबंधित है और ये सूचकांक किसने दिया है, ये सूचकांक दिया है एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ने नीति आयोग के साथ मिल करके। और यहाँ पर फैक्टर्स यही रखे गए हैं कि किसी राज्य में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, एफिशिएंट है या फिर नहीं, एनर्जी एफिशिएंसी के नॉर्म्स वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं या फिर नहीं, ऊर्जा बचाने में कैसा कोई भी स्टेट परफॉर्म कर रहा है। एनर्जी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था जून में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि दिन के समय 100% सौर ऊर्जा से किस स्मार्ट सिटी में काम होता है। दिन के समय 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला स्मार्ट सिटी है दीव, ठीक है, दीव स्मार्ट सिटी, आप इसका नाम ध्यान रख सकते हैं। अगला है यहाँ पर कि जीएसटी काउंसिल ने 4 अगस्त 2018 को एमएसएमईस की विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए एक मंत्री स्तरीय ग्रुप बनाया है, ठीक है, इस ग्रुप के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में। आपको बता दें कि एमएसएमईस के लिए जीएसटी काउंसिल जीएसटी की दरों को कम करना चाहती है जिससे एमएसएमईस ग्रो कर सकें, इनिशियल स्टेज में उनके बिजनेस को इतना प्रेशर में ना डाला जाए, वो ग्रो कर सकें, इसलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जीएसटी की दरों को कम करने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इस ग्रुप के अध्यक्ष बने हैं शिव प्रताप शुक्ल, ठीक है, मिनिस्टीरियल ग्रुप के हेड हैं शिव प्रताप शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। श्री हरदीप एस पुरी ने स्वच्छ भारत अभियान अर्बन के तत्वाधान में किस फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर लॉन्च किया, ठीक है, तो ये जो फिल्म आने वाली है जाहिर सी बात है कि स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित होगी, स्वच्छ भारत अभियान के मैसेज को स्प्रेड करेगी, ठीक है। इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, ये बाल फिल्म है, यू सर्टिफिकेट इसको मिला है, यू सर्टिफिकेट यानी कि यूनिवर्सल, बोले तो कोई भी इसको देख सकता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ठीक है, यू ए जब मिलता है यानी कि बच्चे उसको देख सकते हैं लेकिन पेरेंट्स का सुपरविजन वहां पर जरूरी होता है, ए जब सर्टिफिकेट मिलता है यानी कि उसको खाली अडल्ट्स देख सकते हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, ठीक है। तो यहाँ पर यू सर्टिफिकेट्स के साथ हल्का नाम की फिल्म लॉन्च होने वाली है, कह सकते हैं हल्का नाम की फिल्म रिलीज होने वाली है 5 सितंबर 2018 को। ये फिल्म संबंधित है ODF से, ठीक है, ODF का मैसेज इसमें दिया जाएगा, ओपन डेफिकेशन, फ्री करना है भारत को। इसमें बच्चे की कहानी बताई जा रही है जिसका सोल पर्पस है उसकी लाइफ का कि वो अपने लिए एक टॉयलेट बनवा सके और उसको खुले में शौच करने नहीं जाना पड़े, तो इसीलिए यहाँ पर सरकार भी इस फिल्म को प्रमोट कर रही है। हल्का इस फिल्म का नाम है, आप ध्यान रखें, हल्का फिल्म को अवार्ड भी मिल चुके हैं, ठीक है, हमने आपको बताया था मार्च में इसको अवार्ड मिला था मॉन्ट्रियल बाल फिल्म महोत्सव में, पोलैंड में बाल और युवा फिल्म महोत्सव में ये पुरस्कार जीत चुकी है फिल्म। इसके यहाँ पर डायरेक्टर हैं हम लोग कह सकते हैं नील माधव पांडा जी, उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में बनाई हैं पहले भी और इन्वायरमेंट से संबंधित फिल्में बनाई हैं, कड़वी हवा इनकी आई थी, ठीक है, इसमें भी ये मैसेज दिया गया था कैसे एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जलपरी इनकी फिल्म है, आई एम कलाम इनकी फेमस फिल्म है, ये चिल्ड्रन फिल्म बनाते हैं, हल्का भी काफ़ी अप्रिशिएट की गई है अलग अलग यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल्स में। माधव नील पांडा को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के किन दो मोबाइल ऐप्स को उमंग ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है, उमंग ऐप अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको ट्राई के ये दो ऐप उसी में इंटीग्रेटेड मिलेंगे, यानी कि उमंग ऐप के माध्यम से आप इन ट्राई के दोनों ऐप्स को खोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई के जो दो ऐप उमंग ऐप में इंटीग्रेट किए गए हैं उनका नाम है
माई कॉल और DND 2.0। ठीक है, माई कॉल ऐप में क्या होगा कि आप जब कॉल करते हैं, कॉल की क्वालिटी वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, कॉल के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में फीडबैक दे सकते हैं माई कॉल ऐप के माध्यम से। ठीक है, ये इम्प्रूव करने में मदद करता है कॉल क्वालिटी को, कॉल ड्रॉप जैसे केसेस में कमी लाने में मदद करता है। ठीक है, DND जैसा कि इसका नाम है, DND 2.0 से आप एक्टिवेट कर सकते हैं DND सर्विसेज। DND सर्विसेज का मतलब है आप यहाँ पर अवॉइड करेंगे कि आपको कोई भी टेलीकम्युनिकेशंस के एडवर्टाइजमेंट के मैसेजेस ना भेजे जाएं, ना ही आपको यहाँ पर प्रमोशनल कॉल्स किए जाएं। तो इसके लिए आप DND एक्टिवेट कर लेंगे तो आपको कभी भी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है कोई भी नए ऑफर्स नहीं बताएगा, ना आपको बार बार मैसेज करके डिस्टर्ब करेगा। उमंग ऐप को डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बहुत 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 बार पूछा जा चुका है इसके फुल फॉर्म से क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। हमारा आज का आखिरी फैक्ट रहने वाला है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना संबंधित। ये राज्य में अपनी कन्याओं को संरक्षण देना चाहते हैं, स्वास्थ्य में बढ़ावा देना चाहते हैं, शिक्षा एवं स्वावलंबन पर आधारित ये योजना है बिहार राज्य की। तो ये ध्यान रखेंगे आप, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस राज्य की है? बिहार राज्य की। इसमें क्या करने वाले हैं, 54,100 रुपये की कुल राशि यहाँ पर कन्या को देंगे, लेकिन यहाँ पर विभिन्न विभिन्न स्टेजेस में दिए जाएंगे पैसे। जैसे बच्ची के जन्म होने पर 2,000 दिए जाएंगे, 1 वर्ष की होने पर 1,000 रुपये अभिभावक के खाते पर आएंगे। ठीक है, बच्ची का टीकाकरण हो चुकेगा तो 2,000 रुपये मिलेंगे, आधार कार्ड बन जाएगा तो फिर से 2,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 रुपये मिलेंगे और 12वीं का क्लास पास करने पर 10,000 रुपये मिलेंगे और स्नातक डिग्री हासिल करने पर 25,000 मिलेंगे, एक दो इंस्टॉलमेंट और मिलेंगे। कुल मिलाकर 54,100 रुपये का अनुदान दिया जाएगा और जन्म से ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जन्मी हुई कन्या का। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। आपको सारे नहीं ध्यान रखने हैं कि कब कब पैसे मिलेंगे, आप इसमें जो अमाउंट है उसको रट लीजिए कि 54,100 रुपये तक का अनुदान अपने राज्य में जन्म लेने वाली कन्या को देगी। कल पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं। अनाई मुड़ी यहाँ पर हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। तावा जो नदी है ये सहायक नदी है नर्मदा रिवर की। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है हमारी कैंडेला और इंडिया साउथ कोरिया अभ्यास करते हैं यहाँ पर सहयोग हाइबिलियोग के नाम से। और लेस नाम की नॉवेल जिसके राइटर हैं एंड्रयू सीन ग्रियर, इसको मिला है यहाँ पर पुलित्जर 2018 का पुरस्कार। आज के टास्क ऑफ द डे के क्वेश्चंस देख लें आप, आपको इन सभी का आंसर कमेंट्स में लिख करके बताना है। मैन बुकर प्राइज 2018 का किसे मिला है, आप ऑथर का नाम भी बता सकते हैं, बुक का भी बता सकते हैं। फीफा 2018 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसको मिला है, गोल्डन बॉल और गोल्डन यहाँ पर क्या मिलता है बता सकते हैं आप। बिहारी पुरस्कार किससे संबंधित है और 2018 में किसको मिला है। सिक्किम राज्य के ग्रीन एम्बेसडर बनाए गए थे एक सिंगर, उस सिंगर का नाम आपको लिख करके बताना है कमेंट्स में। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, आपको लिख करके बताना है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, इन सभी के आंसर्स कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं आप। हम लोग दोस्तों मिलेंगे कल के सेशन में, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ।